Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. Friends, this video is going to be about the ongoing Russia-Ukraine conflict. Basically, इस वीडियो में हम historical background of Russia-Ukraine conflict को discuss करेंगे. And there are going to be other videos where we are going to take various subtopics जिन पर discussion होगी. But before we dive into the video, let's talk about our batch for combined preparation of state civil services. ये batch PCS, HCS और HAS exam के लिए है. इसका एक स्पेशल फीचर है 7 डे फ्री ट्रायल का. 7 डे फ्री ट्रायल को अवेल करने के लिए देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उस पर जाके आप अपना 7 डे फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं. अलॉन्ग विद 7 डेज लाइव लेक्चर्स, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट मोर देन 250 लेक्चर्स बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स इन दैट 7 डे फ्री ट्रायल. ऑल्सो दिस बैच अगेन इज़ फॉर PCS, HCS एंड HAS एग्जाम. ये स्टेट सिविल सर्विसेज के बैच है. नाउ ऑल्सो देर इज अ टेस्ट सीरीज फॉर HCS जो कि 10th of July को हो रहा है. उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है अभिमन्यु की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो डू चेक इट आउट. नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, जिसमें हम बेसिकली इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, पर आज हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे और पोजिशन ऑन द मैप की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स पोजिशन ऑन द वर्ल्ड मैप. ये रिलेटिवली पोजिशंस क्या हैं नेशंस की. तो ये रशिया है और ये यूक्रेन है. एंड बिकॉज दिस रीजन हैज़ बीन सो मच इन न्यूज़, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मैप ऑफ दिस रीजन, राइट. ये बाकी रीजन्स हम वैसे भी प्रिलिम्स से पहले पढ़ते हैं, बट दिस ईयर दे बिकम अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं दिस एरिया. यहाँ पर ये जो सी है, दिस इज वाइट सी, राइट. दिस इज बैरेंट्स सी, दिस इज करा सी, हियर इज लैप्टीव सी, और यहाँ पर है ईस्ट साइबेरियन सी, राइट. एंड दिस रीजन यहां पर है सी ऑफ ओखोत्स्क, राइट. बॉर्डरिंग नेशंस देख लेते हैं. यहां पर जापान स्टार्ट हो जाता है आफ्टर दिस, देन वी हैव चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, और लिथुआनिया और पोलैंड भी आते हैं बिकॉज दिस रीजन इज ऑल्सो रशिया, राइट. अब यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशंस देख लेते हैं एक बार, विच आर रशिया ऑफकोर्स, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवो, ठीक है. और ये रीजन है क्रीमिया का, जो पहले यूक्रेन का पार्ट होता था, 2014 में रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया, राइट. So this is the basic position on map. Now moving forward, अब हम history की बात करते हैं. We are not going to go in detail. हम बिल्कुल important points का overview लेंगे, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं Soviet Union की. The formation of Soviet Union happened in the year 1917. 1917 में after Russian Revolution Soviet Union बना, ठीक है. Then what happened? फिर उसके बाद moving forward to World War II के time पे रशिया की ये Soviet Union की position कैसे थी? वो ईस्ट यूरोप में एक मेजर सुपर पावर था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम भी, राइट. उसके बाद जंपिंग ऑन टू ईयर 1991 में क्या हुआ? 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गई सोवियत यूनियन की, मतलब वेरियस रिपब्लिक्स में डिवाइड हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. तो उसी टाइम पर यूक्रेन की भी इंडिपेंडेंस हुई इन द ईयर 1991, ठीक है. लियोनिड क्रावचक जो थे प्रेसिडेंट थे तब यूक्रेन के, राइट. तो उन्होंने दो टर्म्स दी थी. उन्होंने कहा था कि वो सोवियत इकोनॉमी जो थी, फॉर्मर सोवियत इकोनॉमी, उसको रिवाइव करना चाहते हैं. उसके लिए ही गेव टू टर्म्स, ही यूज टू टर्म्स जो कि प्रेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट है. प्रेस्ट्रॉयका का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग. और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है? ओपननेस, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ उस टाइम पर, क्या था कि रशिया जो था सबसे पावरफुल
सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट था, राइट, और जो सेकंड नंबर आता था वो था यूक्रेन का, ठीक है, और सोवियत यूनियन का बहुत सारे रिसोर्सेज थी, मिलिट्री पूल था, न्यूक्लियर आर्सेनल था, वो भी डिवाइड हुआ, फिर रशिया को मिला कुछ पार्ट और कुछ पार्ट यूक्रेन को भी मिला। तो यूक्रेन हैड थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल देन, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल था तब यूक्रेन के पास। तो 1991 में हमने देखा कि यूक्रेन की इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद इन द ईयर 1994 में ना यूक्रेन ने एक मेमोरेंडम साइन किया जिसका नाम था बुडापेस्ट मेमोरेंडम, ठीक है। अंडर दिस मेमोरेंडम यूक्रेन ने जो भी उसका न्यूक्लियर आर्सेनल था वो रशिया को दे दिया बाय द ईयर 1996। कंडीशन क्या थी इसके लिए? एक तो ये थी कि उसको रशिया से इकोनॉमिक एड और सिक्योरिटी मिलेगी, और दूसरा रशिया रिकग्नाइज और रिस्पेक्ट करेगा उसकी इंडिपेंडेंस को, राइट, ये दो कंडीशंस थी। बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया यूक्रेन ने और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट बन गया, राइट। देन व्हाट हैपेंड? नाउ जंपिंग ऑन टू ईयर 2013 में विक्टर यानुकोविक प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, और ये एलिजिडली इनकी जो पॉलिसीज थी वो प्रो रशियन थी, वो रशिया को की तरफ उनका टिल्ट था, ठीक है। कैसे ये इस बात को कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील को रिजेक्ट करके $15 बिलियन रशिया से एड ली, जिसने बहुत लोगों को अपसेट किया, यूक्रेनियंस को अपसेट किया, प्रोटेस्ट हुए यूक्रेन में, एंड ही इवेंचुअली हैड टू स्टेप डाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो कि अभी भी प्रेसिडेंट है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ये ज़ेलेंस्की जो है ही इज़ सेड टू बी प्रो यूरोप, ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो यूरोप हैं, और ये एक वोकल क्रिटिक हैं रशिया के और रशियन पॉलिसीज़ के, राइट। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रो यूरोप हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। अब हम सबसे पहले एक बार मैप देख लेते हैं सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन का ये मैप था जिसका पार्ट यूक्रेन था, मोल्डोवा था, बेलारूस था, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये सब पार्ट थे सोवियत यूनियन के, और इसके हेडक्वार्टर्स थे मॉस्को, ठीक है। सो दिस इज़ द मैप ऑफ सोवियत यूनियन, और ये जो नेशंस हैं ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये तो चलो दो नेशंस बन चुका है अब, बट देवर सोवियत अलाइड कंट्रीज, राइट। नाउ अब हमने ये देखा कि दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड, पर अब हम एक बार यूक्रेन के बारे में भी देख लेते हैं कि वॉट इज़ देयर अबाउट यूक्रेन। यूक्रेन जो है ये मल्टी एथनिक कंट्री है, इसमें रशियन एथनिसिटी के भी लोग हैं और यूक्रेनियन भी हैं, ठीक है। जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं दे फाइंड देमसेल्व्स क्लोजर टू रशिया, ठीक है, वो रशिया से अपनी हिस्टोरिकल और एथनिक टाइज को लेकर रशिया की तरफ उनका टिल्ट है, राइट, और इनकी परसेंटेज है अराउंड 17% इन द पॉपुलेशन, ठीक है। बट जो यूक्रेनियंस है दे आर 78%, तो ये एथनिक मेजॉरिटी है वहाँ यूक्रेनियंस की, एंड दे आर बेंट टूवर्ड्स यूरोप, जनरल बेंट इनका यूरोप की तरफ है, इनका जनरल बेंट है रशिया की तरफ। और ये जो रशियंस हैं ये ईस्ट यूक्रेन के पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दीज आर द पीपल हु हैव क्लेम्ड सर्टेन एरियाज एज सेपरेट नेशंस, एज सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइट। नाउ ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से रीजन्स हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स जो हैं, लुहांस्क, बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, डोनेट्स्क। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या किया था रशिया ने, इन दोनों स्टेट्स का इंडिपेंडेंट स्टेटस को रिकग्नाइज किया था, लुहांस्क और डोनेट्स्क के, दैट लेड टू मोर एग्रेवेटेड कॉन्फ्लिक्ट। अभी ये रीजन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मारियोपोल, ये कैपिटल है यूक्रेन की, कीव, खार्किव, ऑल दीज रीजन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इनको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए, राइट। देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। नाउ
मूविंग फॉरवर्ड। तो अब रशिया क्या कह रहा है, रशिया क्या चाहता है एक्चुअली? रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है, अभी फिलहाल हमने देखा था एक पार्टनर नेशन है नेटो में, राइट? नेटो क्या है, क्या उसका ओरिजिन था, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट रशिया क्या चाहता है कि जो यूक्रेन है उसकी जो मेंबरशिप है नेटो में उस पर बैन लग जाए कि यूक्रेन शुड नेवर बी अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ नेटो। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो क्या होगा कि दिस इज यूक्रेन, राइट? तो नेटो की जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल रशियन बॉर्डर तक आ जाएंगे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया, ठीक है? तो इसलिए ये एक एज अ बफर मेंटेन रहे, ये नेशन को अलाउड ही ना हो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनना, ये चाहता है रशिया। प्रेजेंट स्टेटस हमने अभी बात की, पार्टनर नेशन है ये नेटो का। पार्टनर नेशन का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर उसको मेंबरशिप मिल सकती है नेटो की, राइट? तो रशिया चाहता है कि वो बैन हो जाए उसकी मेंबरशिप। और रशिया ने कहा है कि जो नेटो की एक्सपेंशन है ना टुवर्ड्स ईस्ट, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है रशिया के लिए और ये बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है रशिया के लिए और ये एक प्रोवोकेशन की तरह लेगा रशिया इसको। 2008 में नेटो ने कहा था कि वो उसका इंटेंशन है जॉर्जिया और यूक्रेन को एडमिट करने का। तब यूक्रेन रशिया ने जॉर्जिया के बहुत सारे टेरिटरीज़ को इन्वेड कर लिया और इन ईयर 2014 क्रिमिया की भी इन्वेजन कर ली, राइट? सो रशिया हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सेंसिटिव अबाउट नेटोज एक्सपेंशन टूवर्ड्स ईस्ट और जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो रशिया हैज़ एक्टेड इन दिस वे, ठीक है? अभी भी जो यूक्रेन की एडमिशन की तरफ जो मूव्स हैं दे आर सेट टू बी वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अब ओनली ये जो नेटो का रीज़न जो है, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, राइट? ये एक ओनली रीज़न नहीं है फॉर द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं रशिया में और यूक्रेन में, दे कॉन्ट्रीब्यूट मेजरली। ऑल्सो क्योंकि जो यूक्रेनियन एथनिसिटी है दैट इज़ डिवाइडेड, इसलिए भी रशियन लीडरशिप को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू इन्वेड यूक्रेन, राइट? और रशिया क्या कह रहा है, वॉट इज सेट बाय रशियन प्रेसिडेंट? रशियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के जो एथनिक रशियंस हैं उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए ये कर रहे हैं, जिसको उन्होंने टर्म दी है डी नाजिफाई, कि रशिया इज ट्राइंग टू डी नाजिफाई यूक्रेन, राइट? तो ये तो हमने बात कर ली कि रशिया चाहता है कि बैन लग जाए मेंबरशिप पे यूक्रेन की इनटू नेटो। एंड ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न नेशंस आर सेइंग कि जो यूक्रेन है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो उसकी खुद की ये सॉवरन पावर होनी चाहिए जिसमें वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको नेटो का पार्ट बनना है या नहीं। वी कैन नॉट इम्पोज, दैट इज व्हाट वेस्टर्न नेशंस आर सेइंग, राइट? तो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या बेसिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, क्या इनकी हिस्ट्री थी जिसने इस सिचुएशन को यहाँ तक लाया है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी सर्टेन एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के बॉर्डरिंग नेशंस कौन से हैं? रशिया, स्लोवाकिया, रोमेनिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। तो रशिया तो पक्का है, स्लोवाकिया एक बार दोबारा मैप देख लेते हैं, ये देख लो आप कि रशिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है और मोल्डोवा है, राइट? तो कौन से नेशंस नहीं है उसमें? दो और नेशंस थे, कजाकिस्तान और जॉर्जिया, वो नहीं है। दे डू नॉट टच यूक्रेन फ्रॉम एनी साइड। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस बिकम करेक्ट एंड द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज Budapest Memorandum is related to an environmental treaty that concluded by UNEP, a treaty signed between Afghanistan and US, a treaty to provide security assurances to its signatories relating to accession of Belarus, Kazakhstan and Ukraine to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, ya phir agreement to make unified Germany part of NATO. To iska answer hai C. Aur ye kaun sa agreement tha? 2+4 treaty थी एक,
या फिर 2+4 अग्रीमेंट, ठीक है। ये इसमें 2 क्या था, इट वॉज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था 2+4 ट्रीटी, राइट। पर इस ट्रीटी को रशिया ने और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने काफ़ी बार ऐसे इंटरप्रेट किया है कि दिस मेंट कि जो नेटो है उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी बियॉन्ड ईस्ट ऑफ जर्मनी, कि ईस्ट जर्मनी से ज़्यादा ईस्ट वर्ड्स वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो ये था ईस्ट जर्मनी कि इसके आगे तक जो नेटो है उसकी फोर्सेस या उसका एक्सपेंशन नहीं होगा। रशिया ने भी इसे ज़रा इंटरप्रेट किया, तो रशिया मानता है कि ये 2+4 ट्रीटी की भी वायलेशन थी कि यूक्रेन दैट नेटो वॉज वॉन्टिंग टू मेक यूक्रेन अ पार्ट ऑफ इट्स लीडर, अ पार्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग, राइट। तो 2+4 ट्रीटी के बारे में भी आपको पता लग गया। नाउ एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट रोल डज हिस्ट्री प्ले इन डिटरमिनिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो हिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है प्रेजेंट टाइम्स की जियोपॉलिटिक्स में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स को। हम वेरियस एग्जांपल्स से डिस्कस कर सकते हैं इसको, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनकी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, मतलब सभी नेशंस का, ये आप इसमें इंडिया पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, राइट। बट डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो वी कैन टच अपॉन वेरियस अदर, गिव लिटिल एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेरियस अदर नेशंस, बट इसकी बात हमने जो करनी है उसको रशिया यूक्रेन को माइंड में रखते हुए करनी है, वेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड हाउ इट हैज़ लेड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, राइट। आई होप दिस वॉज यूजफुल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, डू लाइक एंड शेयर इट। नाउ कमिंग बैक टू आर बैच ऑफ PCS, HCS एंड HAS एग्जाम, ये बैच स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए है, इसका स्पेशल फीचर है 7-day free trial। 7-day free trial को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो अगर आप HCS की प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक हरियाणा सिविल सर्विसेज स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज अभी मन्यू IAS की है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी HCS की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए। नाउ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अभिमन्यु IAS एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।